नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और देव गुरु बृहस्पति कहते हैं अगर इन दोनों की कृपा मिल जाए तो जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आ जाती है। लेकिन कैसे पाएं श्री हरि और देव गुरु की संयुक्त कृपा? माना जाता है कि इसके लिए अचूक उपाय है बृहस्पतिवार का व्रत। आज हम आपको बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा के बारे में बताएंगे। देखिए आप भी। एक व्रत जो है महाफलदायी, एक व्रत जो देगा सुख समृद्धि। जगत के पालनहार श्री हरि की पूजा उनके व्रत का सबसे उत्तम दिन बृहस्पतिवार माना गया है। मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। बृहस्पतिवार व्रत करने से सुख समृद्धि आती है, संतान का सुख मिलता है और विवाह संबंधी मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। बृहस्पति देव का पूजन करने से संतति की वृद्धि होती है और संतान की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव का ही एक स्वरूप है संतान, गोपाल का पाठ होता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है जिससे संतान की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु होती है। इसलिए बृहस्पति देव का पूजन एवं अर्चन बंदन और व्रत उपवास करना चाहिए संतान की वृद्धि के लिए। बृहस्पतिवार के व्रत से श्री हरि और बृहस्पति ग्रह दोनों की कृपा मिल सकती है। श्री हरि की कृपा से संपत्ति और संपन्नता दोनों मिल सकती है। बृहस्पति देव की कृपा से संतान और विवाह की समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये व्रत हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि देता है। सबसे ऊंचा है जिनका स्थान, देवताओं के गुरु देंगे वरदान। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस प्रकार से कबीर ने भी कहा, गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु की महिमा में अटूट विश्वास है, जिसने गुरु की कृपा हो वह उसका जीवन धन्य हो जाता है। देव गुरु बृहस्पति विद्या बुद्धि धन धान्य और संतान की वृद्धि करते हैं, इसलिए गुरुवार का व्रत किया जाना बहुत आवश्यक है। तो समझिए ज्योतिष में बृहस्पति का क्या स्थान है। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग स्वर्ण वित्त और कोष, कानून ज्ञान मंत्र ब्राह्मण और संस्कारों को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र मेदा और आयु की अवधि को निर्धारित करता है। पांच तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। महिलाओं के विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान और बृहस्पति देव दोनों की पूजा होती है। इस दिन किया गया व्रत आपकी झोली खुशियों से भर सकता है। सभी प्रकार के आदि व्याधि जरा पीड़ा सब समाप्त हो जाते हैं भगवान बृहस्पति देव के पूजन एवं व्रत करने से। सबसे पहले पूजन में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। शरीर में तेज आता है तो जितने भी पाप ताप होते हैं वो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते ही समस्त रोगों का शमन हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत रखना किनके लिए है लाभकारी। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति कमजोर हो,
जिनका विवाह ना हो पा रहा हो या वैवाहिक जीवन खराब हो, जिनको संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, जिनको पेट या मोटापे की कोई समस्या हो, जिनको अपने आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करना हो। हर व्रत और उपासना से किसी न किसी मनोकामना की पूर्ति होती है। किसी के मन में संतान पाने की इच्छा होती है तो कोई शीघ्र विवाह की कामना के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखता है। जो भक्तगण श्रद्धा भाव से बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और भगवान की उपासना करते हैं, भगवान बृहस्पति देव उनको मनवांछित फल प्राप्त कराते हैं, उनको सभी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, तो बड़ी ही अनंत महिमा है भगवान बृहस्पति देव की व्रत एवं पूजन की। बृहस्पतिवार का व्रत करके आप श्री हरि को प्रसन्न करने के साथ साथ अपने बृहस्पति ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार व्रत से जुड़े महालाभ तो आपने समझ लिए, लेकिन व्रत तभी सफल है जब उसमें सच्ची आस्था और सही नियमों का पालन किया जाए। तो कैसे करना चाहिए बृहस्पतिवार का व्रत, आइए जानते हैं सही विधि। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लें, सूर्य को हल्दी मिला जल अर्पित करें, इसके बाद केले के पौधे में जल अर्पित करें, बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें, चाहे तो बृहस्पति व्रत कथा भी सुन सकते हैं। दिन में केवल जल और फल पर उपवास रखें, संध्या काल को पुनः मंत्र जाप करें। देव गुरु बृहस्पति को मनाने और कुंडली के गुरु को मजबूत बनाने के लिए बृहस्पतिवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिषी मानते हैं कि कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो जीवन में इंसान तरक्की करता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। गुरु की कृपा उस व्रत को करने के लिए प्रातः काल जल्दी उठें, पूरे घर में साफ सफाई करें, गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, उसके बाद हर विष्णु की पूजा करें, पीले पुष्प, पीले फल, मिठाई, धूप दीप, चंदन, सुपारी आदि से भगवान की पूजा करें। हल्दी, गुड़ और चना को हाथ में लेकर के बृहस्पतिवार की कथा को सुनना चाहिए और उस कथा को सुनने का एक मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तो अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देव गुरु से पाना चाहते हैं खुशहाल जीवन का वरदान, तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो महा उपाय जो देव गुरु बृहस्पति की महाकृपा आप पर बरसा सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत और खास पूजन करने से श्री हरि विष्णु की अपार कृपा हासिल की जा सकती है। संतान सुख की कामना हो या वैवाहिक जीवन संबंधित समस्याएं हो, इन सब परेशानियों का समाधान है बृहस्पतिवार का व्रत। बृहस्पति पूजा से मिलेगी जीवन में उन्नति, गुरु कृपा से होगी मनोकामना पूर्ति। बृहस्पतिवार का व्रत और खास पूजन करने से श्री हरि विष्णु की अपार कृपा हासिल की जा सकती है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से जीवन में धन, संपत्ति, विवाह और भाग्य संबंधी बाधाएं दूर हो सकती हैं। ज्योतिष के जानकार कहते हैं जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत फलदायी साबित हो सकता है। कोई निसंतान है, किसी के पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो वो भी प्राप्त होती है भगवान विष्णु की पूजा, भगवान नारायण की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा करके, और बृहस्पति की पूजा कोई करता है। और धन
ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है, इस संसार में उसे प्रसिद्धि मिलती है, निसंदेह भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत करने से परिवार में संपन्नता आती है, सद्गुण विचार आने लगते हैं, सात्विकता की वृद्धि होती है एवं पाप ताप का समन होता है। काम क्रोध मद लोभ ये सब नष्ट होते हैं, सब विकार समाप्त होते हैं, तो सात्विकता की वृद्धि होने लगती है। और जब सात्विकता की वृद्धि होने लगती है तो भगवान की कृपा होने लगती है। तो क्या है संतान प्राप्ति के लिए विशेष उपाय? बृहस्पतिवार का व्रत रखें, प्रातःकाल जल में हल्दी मिलाकर सूर्य को अर्पित करें, इसके बाद हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस दिन सूर्यास्त के पहले ही पीला भोजन कर लेना उत्तम होता है। गुरु ग्रह है बृहस्पति, इंसानी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ता है ये ग्रह। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो आपकी जिंदगी में होने वाली हर बड़ी घटना का कारक हो सकता है बृहस्पति। शास्त्रों में आया है कि नवग्रहों में भी इनकी एक गति है बृहस्पति देव की, जिनको गुरु के नाम से जाना जाता है, शास्त्रों में वर्णित है। बृहस्पति देव गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और व्याकरण में आया है संयोगे गुरु, जो परमात्मा से संयोग करा दे ऐसा गुरु की महिमा बतलाई गई है। तो इनके पूजन से परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। भगवान का नारायण का जिस प्रकार से सुबह अभिषेक होता है, वहां अगर बृहस्पतिवार को जाता है, उस गुरु भगवान की पूजा करता है, उस नारायण की पूजा करता है, तो जाकर के निसंदेह पीले कपड़ों का पहन करके भगवान का पूजन और अभिषेक देखे, भगवान की पूजा देखे, तो निसंदेह बृहस्पति भगवान उसको उच्च मनोकोटि उच्च पद पे और धन ऐश्वर्य से उसे प्राप्त कराएंगे, निसंदेह उसका जीवन सफल हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर आपका विवाह तय नहीं हो रहा तो कौन सा उपाय आपकी मनोकामना को पूरा कर सकता है? बृहस्पतिवार का व्रत रखें, पीले रंग के वस्त्र धारण करके श्री हरि की पूजा का संकल्प लें, इस दिन घर में प्रसाद बनाएं, पीला भोजन या भोग बनाना अच्छा होगा। आपकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो केवल गुड़ और चने का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम विष्णवे नमः का यथाशक्ति जप करें, प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और इसका वितरण निर्धनों में भी करें। मनोकामना पूरी करने वाला ये व्रत आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रखकर अपने वैवाहिक जीवन को भी सुखी बना सकते हैं। बृहस्पतिवार का उपवास रखें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु को पीला और माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का जप करें। पूजा के बाद दोनों फूलों को अपने शयन कक्ष में सिरहाने रख लें। ये प्रयोग जितने लंबे समय तक किया जाए उतना ही उत्तम होगा। तो देव गुरु को प्रसन्न और श्री हरि की कृपा लाभ देने वाला बृहस्पतिवार का व्रत आपके लिए अमोघ फलदायी हो सकता है। पूरी श्रद्धा भाव के साथ किया गया ये व्रत आपके जीवन की मुश्किलों का अंत कर सकता है। बृहस्पतिवार व्रत के साथ जुड़े हैं कुछ विशेष मंत्र भी, जिनका जप है आपके लिए लाभकारी। पूजा उपासना में मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व होता है। बृहस्पतिवार व्रत से जुड़ी हर बात आपने जान ही ली। सुख शांति संतान और विवाह, इस व्रत को करके आप ये सब कुछ पा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि बृहस्पति देव के कुछ मंत्रों के बारे में, जिनका उच्चारण आपके लिए हो सकता है बेहद लाभकारी।
मंत्रों की महाशक्ति को समझिए, मंत्रों के सही उच्चारण को जानिए, क्योंकि मंत्रों की शक्ति के आगे आपके जीवन की बाधाएं धाराशायी हो सकती हैं। बृहस्पतिवार व्रत के दौरान कुछ खास मंत्रों का उच्चारण पूजा उपासना का संपूर्ण फल आपको दे सकता है। ज्योतिषी कहते हैं कि इन मंत्रों के उच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। अधिक शक्तिशाली प्रभाव के लिए जिन मंत्रों का जाप किया जाना सकता है वे हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सह गुरुवे नमः। इस व्रत का बृहस्पतिवार के बीज मंत्र का 108 बार अगर जप करें धन बुद्धि और संतान प्राप्त होगी और जिसके ग्रह नकारात्मक प्रभाव भी है उनको कम किया जा सकता है। ऐसे इस प्रकार के अन्य भी 108 जिस प्रकार से ओम क्लीम हुम बृहस्पते नमः इस मंत्र का भी जाप करें निसंदेह उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सारे जीवन में उसे संतान प्राप्ति के साथ साथ धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं बृहस्पति देव को प्रसन्न करने वाले कुछ दिव्य और अचूक मंत्रों के बारे में। बृहस्पति देव के मंत्र हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम एम श्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम क्लीम बृहस्पतये नमः, ओम ह्रीम क्लीम हुम बृहस्पतये नमः। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से बृहस्पतिवार का व्रत कीजिए, मंत्रों का जाप करें, आपको भी श्री हरि की विशेष कृपा जरूर मिलेगी और साथ ही कुंडली का बृहस्पति भी मजबूत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आनी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।